नमस्कार, यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी की सभी बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। जुड़े रहिए बलिया न्यूज के साथ और पाइए सभी ताज़ा अपडेट। रामचरितमानस पर सदन में बोले योगी, ताड़ना का मतलब मारना से नहीं देखने से होता है। ग्रंथ को जलाकर हिंदुओं को अपमानित किया। मेरठ कोल्ड स्टोरेज में हादसे से बचे मजदूरों की आपबीती, खाना खा रहे थे तभी ब्लास्ट हुआ, लगा बम फटा। पूर्व विधायक समेत चार पर FIR दर्ज। कानपुर में चकेरी थाने में पथराव का वीडियो, पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई जान। थाने के अंदर दो पक्षों में हुई मारपीट और चले लाठी डंडे। PM ने 3 महीने में तीसरी बार बजाया ढोल, दिल्ली के कन्नड़ प्रोग्राम में बजाया, कर्नाटक की संस्कृति को सेलिब्रेट किया। पुलवामा के 10 दिन के भीतर होना था दूसरा हमला, रिटायर्ड कमांडर का दावा। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारकर इसे टाला। प्रयागराज में विशेष सचिव का औचक निरीक्षण, विभागों की फाइलों का निरीक्षण कर कार्य में सुधार लाने की दिए निर्देश। प्रयागराज में 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष बोले, फूलों से सबक लें, मुस्कुराए हंसे और हर परिस्थितियों में एक अच्छा जीवन जिए। प्राइज मनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता में खेले गए 6 मुकाबले, इंडियन एयरफोर्स पंजाब पुलिस ने खिलाड़ियों ने दिए बेहतर प्रदर्शन। अयोध्या में करणी सेना भारत के संगठन का विस्तार, भूतपूर्व सैनिक हरीश सिंह फौजी बने मंडल अध्यक्ष। अयोध्या BSA की बड़ी कार्रवाई, स्कूल में गैर हाजिर होने पर 25 शिक्षकों का कटेगा 1 दिन का वेतन। आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में पुलिस तस्कर को किया गिरफ्तार, 72 घंटे में 5 मुठभेड़, 9 गिरफ्तार। स्कॉर्पियो से करते थे पशुओं की रेकी, पिकअप से तस्करी, लकर गैंगस्टर। आजमगढ़ में लगा रोजगार मेला, 234 अभ्यर्थियों ने कराया पंजीकरण, 117 अभ्यर्थियों को 4 कंपनियों ने किया ज्वाइन। अमेठी पुलिस ने 2 सातिर्क तस्करों को किया गिरफ्तार, SUV कार समेत 1 करोड़ के स्कैम बरामद, जौनपुर के रहने वाले थे सभी आरोपी। अंतर विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बनाती है टीम इंडिया के नफेदपुर को, 13 अंकों से हराया मैच और मैन ऑफ द मैच बने गौतम। 27 फरवरी को बलिया आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक। बलिया में स्कैन कर देता था फर्जी परिसपत्र, बलिया पुलिस ने किया गिरफ्तार, लैपटॉप स्कैन और प्रिंटर दुकान से किया बरामद। अगले 5 दिन में यूपी का बदलेगा मौसम, पहाड़ी क्षेत्र में होगी बर्फबारी, दिन में चटक धूप, बर्फ में रात में होगी ठंड। लखनऊ में बाबू की नौकरी देने के नाम पर 18 लाख की ठगी, लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार और मामला उजागर, बेरोजगार बने निशाना। 4 मार्च तक जमा नहीं होंगे बिजली बिल, आज शाम 6 बजे लागू होगा आदेश, लखनऊ समेत 19 जिलों में उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। लखनऊ में पिंक बूथ पर सवाल पर फंसे नगर आयुक्त, स्मार्ट सिटी के तहत बना रहे अपनी उपलब्धियों को छात्रा नहीं दे रहे, हमेशा बंद रहता है। नगर भ्रमण में श्याम बाबा संघ भक्तों ने खेली होली, श्री मनकानेश्वर ने शुरू किया शोभा यात्रा में हजारों लोग हुए शामिल। मनकानेश्वर मंदिर में शुरू हुई खाटी स्वामी जी की भव्य यात्रा, सुंदर सुंदर झांकियां बनी लोगों के आकर्षण केंद्र, रास्ते में गूंजते रहे बाबा के जयकारे। आगरा में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन दिखाया, युवकों ने दमखम विजेता को मिले 11,000 का प्रथम पुरस्कार। बिल्डिंग में लगी आग, 3री मंजिल पर सोया था परिवार, वाराणसी में गली में नहीं घुस पाया फायर ब्रिगेड की गाड़ी, साड़ियों की दुकान जलकर राख। वाराणसी में गंगा किनारे निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन, फ्री में बांटी गई दवाइयां, टूथपेस्ट और माउथ वॉश। वाराणसी में विदेशी पर्यटकों के लिए विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश द्वार की अलग मांग, DM के सामने रखे गए टूरिस्ट गाइड ने विभिन्न मांग का रखा सुझाव। वाराणसी में कंप्यूटर हैकर ने PTET एग्जाम में लगाई सेंध, वाराणसी प्रयागराज की 1 महिला समेत 20 सर्वर अरेस्ट। हरियाणा के काशी में खाद्य प्रसंस्करण की राष्ट्रीय सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह बोले, भयमुक्त होकर मोटे अनाज की इंडस्ट्री लगाए निवेशक। कुष्ठ रोगियों को न देखें कलंक, भेदभाव की नज़र से यूपी कुष्ठ उल्लंघन की बैठक में डॉक्टर बोले, 2027 तक इस रोग से मुक्त होगा पूरा भारत। बीएचयू नर्सिंग छात्रों में 6ठे दिन निकाला कैंडल मार्च, कहा जब तक नहीं पूरी होगी मांग तब तक लगातार दर्ज कराएंगे विरोध। कानपुर ITI में लगाया गया 3 दिवसीय रोजगार मेला, सांसद सत्येंद्र पौचारी ने किया उद्घाटन, इन्वेस्टमेंट समिति के 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। कानपुर में सुपर टेंडल लगाए गए प्लाट का उद्घाटन, नीदरलैंड की सरकार ने मदद के बनाए गए प्लाट, NMCG महानिदेशक ने किया उद्घाटन। दिल्ली एम्स के 2 सिपाहियों को चकमा देकर बंदी फरार, हालत में सुधार न होने के चलते कराया था भर्ती, वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने सिपाही को किया सस्पेंड। करनैलगंज में अवैध तमंचे के साथ बैटरी चोर गिरफ्तार, सरकारी रोडवेज बस से बैटरी चोरी कर फरार, 2 अभियुक्त किया गिरफ्तार। चोरी के फोन से इस पार्ट से बनाते थे iPhone, 2 करोड़ के 350 मोबाइल फोन बरामद, 7% कम दाम पर बेचते थे।
मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बंद कराए चार ओयो होटल। जांच में दौरान पाया गया मानकों का उल्लंघन। टीम ने चेक इन के दौरान की कार्रवाई। लखीमपुर खीरी की बेटी ने कनाडा में किया सुसाइड। पढ़ाई करने के एक महीने पहले हुई थी, 6 फरवरी को की थी आत्महत्या। लखनऊ में कॉलेज में जा रही छात्रा से छेड़छाड़। आरोपी ने तेजाब फेंकने की दी धमकी। पुलिस बोली कार्रवाई करेंगे हिरासत में आरोपी। कानपुर में 5 दुकानों में चला बुलडोजर। 10 साल पहले चल रहा था केस, 8 साल पहले हाईकोर्ट ने गिराने की दिया था आदेश। मथुरा में ड्रग्स माफिया के घर ANTP की रेड। मंदिर में तहखाने में 1.75 करोड़ का गांजा बरामद। रामचरितमानस में 5000 साल पुरानी आपत्तियां हैं। अखिलेश बोले कोई सोने की तख्ती पर भी लिख कर देगा तो मैं नहीं मानूंगा। बिलियनेयर वीको गोयनका का इंटरव्यू, बोले यूपी में 2000 करोड़ का लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे, 2200 गांव में पानी पहुंचाएंगे। पाकिस्तान को 58,000 करोड़ का कर्ज देकर चीन ने फंसाया। एसी श्रीलंका को तबाह किया, जाने कैसे पाक को कंगाली के दलदल में ढकेल रहा चीन। इसी के साथ धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक शेयर कमेंट कर दिए। जुड़े रहिए बलिया न्यूज के साथ।